नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास विद अलंकार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का विषय है शिक्षण प्रक्रिया में दृश्य साधन। शिक्षण प्रक्रिया में दृश्य साधन के अंतर्गत उन सामग्रियों को रखा जाता है जिनके द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जैसे प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप, मानचित्र, श्यामपट, फोटोग्राफ आदि। शिक्षण में दृश्य साधन 7 प्रकार से सहायक होते हैं: रेखाचित्र अथवा चार्ट, मानचित्र एवं ग्लोब, प्रतिमान, स्लाइड्स, ग्राफ, फ्लैश कार्ड, पत्र पत्रिका आदि। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेखाचित्र अथवा चार्ट की। किसी वस्तु के प्रतिमान की अनुपलब्धि में रेखाचित्र या ग्राफ आदि की प्रस्तुति से विषय को समझने में आसानी हो जाती है। रेखाचित्र के माध्यम से छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। रेखाचित्र के माध्यम से विद्यार्थियों में समय ज्ञान का विकास, अमूर्त तथ्य का दृश्य रूप में प्रकटीकरण, सारांश प्रस्तुतिकरण, कालानुक्रमिक विधि से प्रस्तुति, चित्रात्मक संकेत आदि का विकास होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मानचित्र एवं ग्लोब की। मानचित्र एवं ग्लोब से स्थान की भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल आदि का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है। मानचित्र विश्व की जलवायु, मौसम व पर्यावरण आदि विषयों को विद्यार्थियों को समझाने में सहायक होता है। मानचित्र 2 आयामी होता है और इसकी सतह सपाट होती है। मानचित्र का 3 आयामी रूपांतरणी ग्लोब कहलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिमान की। प्रतिमान वास्तविक वस्तु के प्रतिरूप होते हैं। प्रतिमानों का प्रयोग प्रत्यक्ष वस्तु की अनुपलब्धि के समय किया जाता है। प्रतिमान सामग्री के द्वारा जानवरों का ज्ञान, उनके अंगों का ज्ञान, पेड़ पौधों का ज्ञान, फल पुष्प आदि की जानकारी के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लाइड्स की। शिक्षण में स्लाइड्स का उपयोग सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग भी किया जाता है। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ के माध्यम से सांख्यिकी एवं उसके परिमाणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह आंकड़ों का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है जिसमें सरल रेखा ग्राफ, वृत्त या पाई चार्ट व बार ग्राफ जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लैश कार्ड की। इसका प्रयोग मुख्यतः छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। इसमें कार्ड के द्वारा सबचित्र, मात्राएं आदि को जोड़ने का कार्य किया जाता है। यह पाठ्य वस्तु को रोचक तरीके से सीखने की विधि है। तब तो बात करते हैं पत्र पत्रिका आदि की। पत्र पत्रिका शिक्षण सामग्री की एक महत्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुति है जिसके माध्यम से विषय को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर शिक्षण को बोधगम्य बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर लिखना, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि इस विषय की जानकारी आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो वे नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।